हेलो दोस्तों, गूगल तो आप सभी लोग यूज़ करती होंगे। बहुत से लोग दुनिया में गूगल यूज़ करते हैं, बट क्या आपको पता है कि गूगल में कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता? तो उन ट्रिक्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube के चैनल जिसका नाम है हेल्पिंग गुरुजी। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को यहां से क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले उस ट्रिक के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको google.com ओपन करना होगा, जैसे कि गूगल नॉर्मल होता है अपने पीसी में, उसको सर्च कीजिए और यहाँ पे गूगल पे आपको सर्च करना होगा गूगल इन 1980। जैसे ही आप गूगल 1980 सर्च करेंगे, उसको अपन गूगल सर्च नहीं करना, आपको आई एम फीलिंग लकी वाली ऑप्शन पे ही दबाना है जब भी कोई ट्रिक करनी है। जैसे ही आप गूगल इन 1989 पे क्लिक करेंगे आई एम फीलिंग सो लकी पे, तो आपको ऐसी स्क्रीन मिलेगी। ये दोस्तों 1980 का गूगल है। जब 1980 में गूगल चलता था तो कैसे चलता था इसमें वो दिखाया गया है। ऐसे दिखता था हमारा जो 1980 में गूगल है। देखिए यहाँ से इमेज, यहाँ से ऑप्शन वगैरह आप और भी देख सकते हैं। और देखिए पहले सर्चिंग, हमारा इंटरनेट पूरा फास्ट है बट फिर भी ये सर्चिंग के लिए इतना टाइम लेता था कि जब इंटरनेट स्लो होती थी। तो देखिए गूगल 1980 में ऐसा दिखता था। देखिए जैसे कि आपने गूगल पे को सर्च करना है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है आई एम फीलिंग सो लकी, वहाँ से चूज़ नीचे लिखा है एस पे सेलेक्ट करके आप सर्च कर सकते हैं और एल पे आई एम फीलिंग सो लकी वाला ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एस सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट यहाँ पे आप सर्च करेंगे गूगल। कुछ भी आपको सर्च करना होता था तो आप यहां से लिख के सर्च करते थे, जो कि बहुत स्लो गूगल सर्च करके आपको जो है कुछ रिजल्ट्स उसके दे पाता था। आजकल तो लाखों करोड़ों रिजल्ट गूगल हमारे सामने पेश कर देता है। तो इसके साथ ही आप नेक्स्ट ट्रिक के बारे में आपको बताना चाहूँगा। नेक्स्ट ट्रिक जो आपको सर्च करना है, अपने गूगल में जाना है और वहाँ पर आपको लिखना है गूगल, उसके बाद लिखना है स्नेक, SNAKE, गूगल स्नेक। जैसे ही आप गूगल स्नेक लिखेंगे उसके बाद आपको आई एम फीलिंग सो लकी पे क्लिक करना है। जो आप नॉर्मल मोबाइल में दोस्तों गेम खेलते हैं वैसे ही एक गेम सामने आ जाएगी, जिसको आप अपने कीबोर्ड के साथ या माउस के साथ आप इसको प्ले भी कर सकते हो। ये देखिए ये ऐसी गेम है। अभी हम इसको प्ले करेंगे, अब इस पर क्लिक करेंगे ट्रिक पे और ये गेम, ये देखिए कीबोर्ड के निशान आ गया, हम कीबोर्ड के साथ इसको खेल पाएंगे। ये देखिए अब मैं आपको खेल के दिखाता हूँ। ऐसे आप अपना जो है कीमती टाइम है जो एक तरीके से वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास फालतू टाइम है, आप टाइम पास करना चाहते हैं, कुछ आप गूगल पे सर्च करना भूल गए, तो कुछ देर के लिए गेम आप खेल सकते हैं गूगल पे। कुछ नहीं है, जस्ट ट्रिक है एक स्नेक की, कि आप अगर स्नेक वाला कोई ये गेम खेलना चाहते तो खेल सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं अपना आराम से स्नेक वाली गेम गूगल पे खेल के, और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं और उनको हैरान कर सकते हैं ऐसी ट्रिकों के बारे में। बहुत से लोगों को इन ट्रिकों के बारे में पता है बट शायद किसी किन लोगों को नहीं ना पता हो, बहुत से लोगों को ना पता हो, ये उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। ठीक है दोस्तों, तो आप इस गेम को खेलिए और अपना टाइम जो है पास कीजिए। चलिए मैं आपको अब इसकी जो है दूसरी ट्रिक पे ले चलता हूँ। दूसरी ट्रिक भी बहुत ही अमेजिंग है, वो भी जान के आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसकी दूसरी ट्रिक के बारे में। हम फिर दोबारा गूगल पे चलते हैं। जैसे गूगल पे हम आते हैं और गूगल पे आने के बाद हमें यहाँ फिर दोबारा से सर्च करना होता है। सर्च कीजिए गूगल, सबसे पहले गूगल ही लिखना होता है। आप लिखेंगे गूगल, उसके बाद गूगल ग्रेविटी। गूगल ग्रेविटी में दोस्तों क्या होता है, इस ट्रिक में आपको जो है गूगल जो सारा कुछ आपको दिख रहा है, ये जो सब कुछ है ये नीचे गिर जाएगा। ग्रेविटी मतलब ये सब कुछ नीचे खींच लेगा, ये सब कुछ अब नीचे गिर जाएगा। देखिए इस ट्रिक को, ये देखिए, ये शायद किसी लोगों को ट्रिक पता भी हो बट बहुत मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इस ट्रिक के बारे में पता नहीं है। देखिए सब कुछ जो भी ऊपर था ग्रेविटी कारण नीचे गिर चुका है।
और इसमें भी एक बहुत ही मज़ेदार वाली बात यह है दोस्तों कि इसको आप उछाल भी सकते हो। जैसे ही इस पर कंट्रोल पे क्लिक करके आप इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आप इसे गूगल पे जाओगे, इसको उछालोगे तो ये ऊपर को उछलेगा। मैं उछालने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे उछलेगा। जिसको भी आप उछालना चाहते हो उसको उछालोगे, और जितना ज़ोर से उछालोगे वो उतने ही ज़ोर से उछलेगा कोई भी पार्ट। अब मैं आपको ज़ोर से उछाल के दिखाता हूँ, ये देखिए गूगल, और एक आपको और चीज़ दिखाता हूँ, पूरा ज़ोर से उछालूंगा, जितना ज़ोर से उछालोगे उतना ही ज़ोर से ये ऊपर हो जाएगा। तो ऐसे करके आप इस ट्रिक को इन्जॉय कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके भी इस ट्रिक को मज़े ले सकते हो। चलिए मैं आपको दूसरी एक और ट्रिक के बारे में बताता हूँ। इस ट्रिक में भी आपको सर्च करना होगा फ्लिप पे कॉइन। जैसे कि हम दोस्तों टॉस करते हैं, आप कोई मैच खेलने लगते हैं या कोई मैच खेलना होता है तो आप टॉस करते हैं, आपके सिक्का चाहिए, बट इसमें आपको सिक्के की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास अगर मोबाइल में भी गूगल है, आप इंटरनेट है, तो आप इसको फ्लिप एक कॉइन लिख के सर्च करोगे तो यहाँ फ्लिपिंग की ऑप्शन मिलेगी। आपको यहीं से अपना जो है अपना टेल या हेड सेलेक्ट करके फ्लिप इट पे फ्लिप कर सकते हो और अपना जो है टॉस कर सकते हो। ये भी बड़ी मज़ेदार एक चीज़ है। अगर आपके पास कॉइन नहीं है, आप टॉस करना चाहते हो, तो अपने मोबाइल से या अपने पीसी से गूगल में ही जो है अपना टॉस वो है वो कर सकते हो बड़ी ही आसानी से, ठीक है। ये भी एक नॉर्मल ट्रिक थी। तो चलिए एक और ट्रिक के बारे में आपको बताता हूँ। इस ट्रिक में आपको लिखना होगा डू ए बैरल रोल। इसमें क्या होगा, जैसे ही आप डू ए बैरल रोल लिख के आई एम फीलिंग सो लक्की पे क्लिक करेंगे तो ये जो गूगल है वो कैसे काम करेगा आप खुद देख लीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखिए ये रोटेट होने लग गया है, ऐसे ही गूगल है जो घूमने लगेगा। ये थोड़ी सी स्क्रीन स्लो चल रही है, अदरवाइज ये बहुत तेज़ी से घूमता है, कई बार बहुत ज़्यादा भी घूमता है। ये गूगल का एल्गोरिथम है कि अपने हिसाब से सेट करता है, कई बार स्लो घूमता है, कई बार तेज घूमता है, ठीक है दोस्तों। डू ए बैरल रोल, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप गूगल आपका बैरल मतलब घूमने लगेगा। चलो अगली ट्रिक पे चलते हैं, और इस ट्रिक में आपको लिखना होगा गूगल स्पेस दे के उसके बाद आपको लिखना होगा, ये नीचे लिखा हुआ है गूगल ग्रेविटी पैकमैन। इसको आपने यहाँ से क्लिक नहीं करना, इसको पूरा लिखना पड़ेगा। इसको आप पूरा लिखेंगे क्योंकि आप सर्च कर दोगे तो सर्च के ऑप्शन में चला जाएगा, बट आपको यहाँ पे पूरा लिखना है गूगल ग्रेविटी पैक पैकमैन। जैसे ही आप गूगल पैकमैन लिखोगे, यहाँ पे गूगल पैकमैन, जैसे गूगल पैकमैन लिखे आई एम फीलिंग सो लक्की पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपने शायद बहुत से लोगों में पैकमैन वाली गेम ज़रूर खेली होगी। वैसे ही एक गेम है, जैसे गूगल स्नेक वाली गेम थी वैसे ही एक गेम है, ये गेम है जो ओपन हो जाएगी। इसको भी आप टाइम पास करने के लिए खेल सकते हो, पैकमैन वाली गेम को टाइम पास अपना अच्छा कर सकते हो इस गेम को खेल के। ये भी गूगल की एक ट्रिक है, जस्ट ये इन्फॉर्मेशन और फन के लिए है, कुछ इसका खास मतलब नहीं है, कोई बड़ी गेम नहीं है। आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी गेमें आ गई हैं, बट जस्ट ये एक ट्रिक है जो गूगल की तरफ से दी जा रही है। बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता, बस ये एक ट्रिक्स हैं जो आप दूसरों को भी दिखा सकते हो, खुद भी देख सकते हो। और नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं, और नेक्स्ट ट्रिक में हमें लिखना होगा गूगल स्फीयर, एस पी नीचे लिखा हुआ है गूगल स्फीयर, एस पी एच ई आर ई गूगल स्फीयर। जैसे है गूगल स्फीयर माय फीलिंग सो लक्की पे क्लिक करेंगे, आप देखिए कि ये जो है सारे ये उड़ने लगेंगे अपनी जगह से, ये हिल जाएंगे। ये देखिए कैसे कैसे हो गए गूगल स्फीयर से। ये जैसे स्पेस में होता है, स्फीयर में होता है, वैसे ये जो है सारे अपनी जगह से हिल के अलग अलग जगह पे हवा में उड़ने लगे, घूमने लगे। तो ये जस्ट दोस्तों ट्रिक थी, कुछ ये 6-7 ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है दोस्तों। और ये ट्रिक आप खुद करके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।